हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपके अपनी वाईपी कंप्यूटर क्लासेस की टू क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 चैप्टर 1 का और पाइथन रिवीजन टूर 1 का पार्ट 3 हम डिस्कस करेंगे। सीबीएसई क्लास 12 सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस विद पाइथन। ओके, यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। अब ये पार्ट 3 है तो आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने क्या किया। पार्ट 1 में हमने सिलेबस को डिस्कस किया था, मार्क्स को डिस्कस किया था, किसके कितने मार्क्स आते हैं, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स रहता है। पार्ट 2 में हमने पाइथन की थोड़ा सा थियोरी के बारे में समझा कि व्हाट इज़ पाइथन लैंग्वेज एंड उसको डाउनलोड कैसे करते हैं और उसमें किस टाइप का इंटरफेस होता है, इंटरेक्टिव इंटरफेस एंड स्क्रिप्ट इंटरफेस। तो पार्ट 2 देख लेना। एंड अब पार्ट 3 में हमें देखना है, अब रियल प्रोग्रामिंग पार्ट 3 में हम करने वाले हैं, हाउ टू प्रिंट एंड इनपुट, वो भी प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले तो यहाँ पर थियोरेटिकली देख लेते हैं प्रिंट फंक्शन क्या करता है। वी यूज़ अ प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू द स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, मीन्स स्क्रीन पर उसका आउटपुट देख सकते हैं प्रिंट फंक्शन से। एंड इसका सिंटेक्स है, प्रिंट लिखेंगे, राउंड ब्रैकेट लगाएंगे और एक्सप्रेशंस कॉन्स्टेंट या वेरिएबल देकर उसको प्रिंट कर देते हैं। फिर प्रिंट और सिंगल कोट्स में हमने एक मैसेज दिया तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ये आउटपुट आ गया। ए इज इक्वल टू 5 दिया, देन प्रिंट वैल्यू ऑफ ए कॉमा ए यहाँ पर दिया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, हाइब्रिड हो रहा है, मतलब दोनों चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर मैसेज भी प्रिंट कर रहे हैं और ए का वैल्यू भी प्रिंट कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, एक छोटा सा कॉमा आ गया, राइट। तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ये। देन इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन इज़ यूज टू, अब देखो प्रिंट करना सीख लिया हमने, प्रिंट कैसे होता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाओगे और प्रिंट के बारे में समझ में आएगा। इसी टाइप से अब प्रिंट, मतलब प्रिंट वाला हो गया, अब हमें इनपुट भी तो करना है। अब इनपुट कैसे करेंगे, इनपुट मेथड इज़ यूज टू इनपुट डेटा एज अ स्ट्रिंग एट रन टाइम। तो रन टाइम पर एज अ स्ट्रिंग डेटा इनपुट करने में हेल्प करता है, क्योंकि डेटा अलग अलग होता है, इंटीजर डेटा होता है, डबल फ्लोट डेटा होता है और स्ट्रिंग डेटा होता है, तो बाई डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग प्रोवाइड करता है। वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट और मैसेज हम दे देंगे यहाँ पर, तो ये इनपुट करने में हेल्प करता है। थियोरेटिकली अभी देखिए, इसे मैं प्रैक्टिकली भी अभी करके दिखाऊंगा। देन ए इज इक्वल टू इनपुट एंटर नेम, अगर हमने लिखा तो ये मैसेज आएगा एक एंटर नेम, और फिर ए के अंदर वो नाम इनपुट हो जाएगा। बी इज इक्वल टू इंट, अब देखो यहाँ पर स्टार्टिंग में इंट आ गया तो एंटर नंबर, जब भी आपको नंबर एंटर करना है तो स्टार्टिंग में इंट लगा देना है। देन फ्लोट का मतलब होता है, इंट का मतलब होता है विदाउट डेसिमल वैल्यू, मीन्स यहाँ पर तो आप नाम एंटर कर सकते हो। सपोज मैंने वाई पी एंटर किया एंड यहाँ पर आप 10 एंटर कर सकते हो, यहाँ पर 10.5 एंटर कर सकते हो, मतलब पॉइंट का वैल्यू एंटर कर सकते हैं। ओके, अब इसमें प्रोग्राम्स थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये है, अगर मैंने प्रिंट किया, प्रिंट पहले तो ए में 10 डाल दो, ए इज इक्वल टू 10। अगर मैंने नॉर्मल प्रिंट किया तो देखो 10 प्रिंट हो गया। अब अगर मैं हाइब्रिड तरीके से, मतलब मैसेज के साथ प्रिंट करता हूँ, डबल कोट या सिंगल कोट लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कॉमा ए, तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया और ए की जगह पर 10 आ गया, राइट। अब आ जाती है बात इनपुट की, तो वैसे तो हम यहाँ पर भी अगर ऐसे लिखते हैं इनपुट एंटर नेम, तो यहाँ पर आपको नेम एंटर करना पड़ेगा। सपोज मैंने वाई पी एंटर किया और अब मैं ए को प्रिंट करूँगा, वाई पी प्रिंट हो जाएगा। तो इसने इनपुट लिया एज अ स्ट्रिंग। ओके, अगर मुझे इंटीजर एंटर करना है तो मैं बी इज इक्वल टू आपको इंट लिखना है। इंट एक फंक्शन है जो आपकी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, जैसे इनपुट एंटर नंबर। अब यहाँ पर हम नंबर एंटर कर सकते हैं, जब मैंने वाई पी एंटर किया क्या वहाँ पर नंबर एंटर नहीं कर सकते, कर सकते हैं लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट होगा। अगर आप स्ट्रिंग में इनपुट करते हो, इंटीजर में इनपुट करते हो, दोनों में एक ही डिफरेंस है, स्ट्रिंग के साथ कैलकुलेशन नहीं होता है, इंटीजर के साथ कैलकुलेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 10 एंटर किया यहाँ पर, अब बी में 10 है, तो अगर मैं बी इंटू 2 करता हूँ तो मुझे 20 मिल जाएगा, राइट। ए में वाई पी था, देखो ए अगर मैंने प्रिंट किया वाई पी है, अगर ए इंटू 2 करूँगा, सॉरी इंटू तो मतलब डबल हो जाएगा, मतलब वाई पी प्रिंट हो जाएगा,
क्या मैं प्लस कर सकता हूँ ए प्लस टू, वो एक अलग ही रोल है मल्टीप्लाई का स्ट्रिंग के साथ। मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा वो रेप्लिकेट कर देगा उसे, प्लस नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा, और इंटू भी इंटू नहीं हुआ। देखो वाईपी वाईपी टू टाइम आया। अगर सपोज मैंने ऐसा किया एस इज इक्वल टू इनपुट एंटर नंबर, मैंने कन्वर्ट नहीं किया। अब एस में मैंने डाल दिया 10। अब देखो एस में 10 है, अगर मैंने एस इंटू टू किया, अरे यार इंटू को छोड़ो क्योंकि वो 10 10 कर देगा, मतलब 10 10 20 आना चाहिए ना, फिर भी गलत ही आ रहा है एक तरह से। एस डिवाइड बाई अगर मैं टू करता हूँ तो देखो एरर आ जाएगा, लेकिन अगर मैं बी डिवाइड बाई टू करता हूँ, बी में वैल्यू क्या था, देखो देखो बी में वैल्यू था 10। देखो यहाँ पर बी में वैल्यू 10 है, राइट, तो 5 आ जाएगा आंसर। देखो आ गया 5। तो बस ये चीज़ ध्यान में रखना है। थोड़ा सा प्रोग्राम्स करते हैं, और थोड़ा सा प्रोग्रामिंग सीखने के लिए ना पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एकदम से सबको समझने की कोशिश मत करो, जितना समझ में आ गया आगे बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ, और देखो पीछे के जो डॉट्स हैं ना वो कनेक्ट होते जाएंगे। डॉट्स मतलब जो भी आपने किए हैं थिंग्स, वो कनेक्ट होते जाएंगे। अब पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, हमने नम वन में 1.5 एंटर किया, ये फ्लोट वैल्यू है याद रखना, नम टू में 6.3 एंटर किया, फिर सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम टू कर दिया, उसके बाद यहाँ पर ही हमने प्रिंट कर दिया द सम ऑफ कॉमा, यहाँ पर नम टू की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सम ऑफ टू प्रिंट हो जाएगा, नम टू की 1.5 प्रिंट हो जाएगा, फिर एंड प्रिंट होगा, उसके बाद 6.3 प्रिंट होगा, फिर इज प्रिंट होगा, उसके बाद सम वैल्यू प्रिंट हो जाएगी विच इज 7.8। तो यहाँ पर ये आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब ये मैंने प्रिंट करके दिखाया नहीं है यहाँ पर, लेकिन अभी अगर हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो ये आएगा द सम ऑफ 1.5 एंड 6.3 इज 7.8, ये रिजल्ट आएगा। फिर सेकंड प्रोग्राम है, यहाँ तो हमने डायरेक्टली वैल्यू लेकर काम किया, अब हम यूज़र से लेना चाहते हैं। यहाँ पर जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये यूज़र से वैल्यू आएगा। अब जैसा हमने बोला था कि जब इनपुट फंक्शन लेते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग गेट करेगा, इसलिए हमने यहाँ पर फ्लोट में उसे कन्वर्ट किया है, क्योंकि जब तक आप इंट और फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करोगे वो कैलकुलेशन नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, प्रिंट कर दिया अगेन। देन पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट के लिए हमने नम इज़ टू 8 लिया, फिर यूज़र से भी इनपुट किया, मतलब ये 8 लेने की ज़रूरत नहीं है, यूज़र से हमने ले लिया, और उसके बाद डबल एस्ट्रिक का मतलब होता है पावर, तो हमने पावर 0.5 कर दिया, मतलब 1/2, तो स्क्वायर रूट का मतलब ही क्या होता है, पावर 1/2, तो इसका मतलब आपका स्क्वायर रूट प्रिंट हो जाएगा। तो ये 3 प्रोग्राम्स हैं, इनमें से कुछ प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे एंड देन समझ में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, हमने ए इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर साइड लिया, फिर सेकेंड साइड लिया, थर्ड साइड लिया, और ये फॉर्मूला लगा दिया एंड उसके बाद आंसर आ गया, राइट। अब इनको प्रैक्टिकली अगर आपको करके देखना है तो प्रैक्टिकली करते हैं इन प्रोग्राम्स को, देन फिर आपको समझ में आएगा। अब देखो ये कंप्लीट हमें प्रोग्राम लिखना होता है, तो कंप्लीट जब हम प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखना होता है, पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, जब हमें कंप्लीट एक फाइल में प्रोग्राम लिखना होता है तो फिर हमें स्क्रिप्ट मोड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, एक प्रोग्राम आपको बना कर देता हूँ, बाकी के प्रोग्राम्स आप खुद करना, ठीक है। तो मैं कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर बना कर दूँगा आपको, सेकंड वाला, तो क्वेश्चन टू हम कर रहे हैं, क्वेश्चन टू यहाँ पर हमें करना क्या है, नम वन इज इक्वल टू इनपुट एंटर दी, कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा, फिर हम ऐसा करेंगे, कॉपी पेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए, और कोई मेरा मोटो नहीं है। अब यहाँ पर हम इसे देखो, अगर आपने डायरेक्टली रन भी किया तो भी ये पहले सेव के लिए बोलेगा, तो सपोज T1 नाम से हमने सेव कर दिया और यहाँ पर इसका एग्जीक्यूशन होकर आ गया। देखिए द सम ऑफ 1.5
6.3 यहाँ पर ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट आ गया। ओके, अब अगर सपोज मुझे दूसरा प्रोग्राम करना है तो इसे भी कॉपी पेस्ट कर लो, जस्ट मेक न्यू फाइल। बस कॉपी पेस्ट में एक चीज़ ध्यान में रखना यहाँ पर कि जो डबल कोट्स होता है ना वो अलग तरीके से कॉपी हो जाता है कभी कभी, जैसे ऊपर वाला डबल कोट्स हैं वो अजीब लग रहा है तो उसको हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगा। आई थिंक प्रोग्रामिंग समझ में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर इनपुट किया उसके बाद फ्लोट में कन्वर्ट किया। यहाँ पर मैं ये भी दिखाऊंगा अगर मैं फ्लोट में कन्वर्ट नहीं करूँगा तो क्या होगा। ओके, तो अलग अलग तरीके से सब जगह पर उसे फॉलो करके हम देखेंगे। तो यहाँ पर 4.5 मैंने एंटर किया, ओके एक नंबर मैंने एंटर किया तो दो नंबर क्यों नहीं आए वो देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ। एंटर फर्स्ट नंबर 4.5, कुछ और प्रेस हो गया होगा उस टाइम पर, तो देखो एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है, 4.5, 6.8, 11.3 आंसर आ गया यहाँ पर। अब देखो आपकी रिक्वेस्ट पर अगर हमने इसे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया, कोई भी चीज़ को समझना है ना उसे हटा दो रास्ते से और फिर देखो बिना उसके करने का काम देखो कि क्या होता है। जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर हमें उसकी इम्पोर्टेंस देखनी है कि वो काम कैसा कर रहा है तो उसे एक नौकरी से निकाल दो या उसे छुट्टी दे दो, तो दो तीन दिन में देखो कंपनी का क्या हाल होता है। तो ऐसे समझ में आ जाता है उसकी इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर भी 5.5 मैंने एंटर किया, सपोज 5.5 एंड 6.5, तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जो प्लस किया ना तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेशन कर देता है, तो एक्चुअल में प्लस तो हुआ नहीं, और मल्टीप्लाई में वो क्या कर देगा, रेप्लिकेट कर देगा। पूरा एरर ही देखना है तो डिवाइड करो, डिवाइड एक्चुअली क्या है, प्लस और मल्टीप्लाई ये अपने आप में डबल काम करते हैं, ओवरलोड करते हैं अपने आप को। न्यूमेरिक वैल्यूज़ को प्लस कर देंगे और स्ट्रिंग वैल्यूज़ को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, मल्टीप्लाई का क्या करेगा, रेप्लिकेट कर देता है। ओके, और देन रेप्लिकेट भी करता है साथ में मल्टीप्लाई भी करता है, इसलिए यहाँ पर ये सेफ है 5.5। कमेंट करके मुझे बना समझ में आ रहा है या कौन सा पार्ट है जो नहीं समझ में आया, तो मैं उसका एक वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो एरर आ गया क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से डिवाइड नहीं कर सकते हो, देखो यहाँ मैसेज भी आ रहा है। तो इंट में कन्वर्ट करो, या तो पहले वैल्यू ले लो उसके बाद कन्वर्ट करो, या इनपुट टाइम पर ही कन्वर्ट कर दो, जैसे यहीं पर कन्वर्ट कर दिया। तो मैंने दोनों तरीके से अपने इसमें एग्जाम्पल में बताया है। अब मैं पहले ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, या तो वैल्यू लेने के बाद कन्वर्ट करो या बाद में कन्वर्ट कर दो, इट्स योर चॉइस। ये क्या हुआ, रुको, यहाँ पर हमने एंटर किया 4.5 आंसर आ गया। देखो एक्चुअली क्या है, जब भी एग्जीक्यूशन हो जाए तो अगर कुछ एरर आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो एकदम से टेंशन नहीं लेना है। अब देखो एरर जब मैंने एंटर किया एरर आया, कुछ तो गड़बड़ हो गई जिसकी वजह से एरर आया, तो हम क्या सोचते हैं यार कोड में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसा नहीं है, दोबारा से एग्जिट करो। अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका सही है तो दोबारा एग्जिट करो, हो सकता है एंट्रिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रोग्राम्स देख लिए, मतलब ये पार्ट 3 था, पार्ट 4 में इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।